दोस्तों, एक तरफ है शाहरुख खान की न्यू मूवी पठान जो कि जल्द रिलीज होने वाली है, और वहीं दूसरी तरफ है सनी देओल की रिकॉर्ड तोड़ मूवी गदर 2 जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज हम आपको इन दोनों मूवी को लेकर कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप फुल मूवी देखने पर मजबूर हो जाएंगे, और दोस्तों आपको बताएंगे कौन सी मूवी में ज्यादा दम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शाहरुख खान की मेगा बजट मूवी पठान को लेकर। दोस्तों, पठान बॉलीवुड की एक ऐसी एक्शन ड्रामा मूवी है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया जा रहा है, और वहीं अगर हम सनी देओल की गदर 2 को लेकर बात करें तो दोस्तों ये मूवी भी गदर मूवी की ही तरह एक एक्शन मूवी है जिसमें सनी देओल आपको फिर से एक्शन करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, मूवी का निर्देशन अनिल शर्मा द्वारा किया जा रहा है। अगर दोस्तों बात पठान मूवी को लेकर करें तो दोस्तों पठान मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम तीनों मैन किरदारों में नजर आने वाले हैं। वहीं गदर 2 मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा तीनों मैन किरदारों में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, पठान मूवी में विलेन का रोल जॉन अब्राहम प्ले करने वाले हैं, और दूसरी तरफ गदर 2 मूवी में मनीष वाधवा आपको विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल के रूप में नजर आने वाले हैं। वैसे दोस्तों, ये अमरीश पुरी की जगह ले पाते हैं या नहीं, आप अपनी राय वीडियो की कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात पठान मूवी के बजट को लेकर करें तो दोस्तों पठान मूवी का बजट 250 करोड़ का है, लेकिन गदर 2 मूवी का बजट 100 करोड़ का है। दोस्तों, आपको सनी देओल की गदर 2 और शाहरुख खान की पठान में से किसमें ज्यादा दम दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका भाई आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।